वजह है जिस पर लोग ध्यान नहीं देते, इसी वजह से जो है आपका रिजेक्ट हो जाता है लोन एप्लीकेशन। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं आप भी अगर पेटीएम से लोन लेना चाहते हैं, अभी तक नहीं लिया है तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन में पेटीएम ऐप की लिंक मिल जाएगी, बाकी गूगल पे फ़ोनपे की भी मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको सेक्शन दिखेगा, यहाँ देख सकते हैं नीचे पर्सनल लोन का, इसमें ओके। तो सबसे पहला रीज़न देख सकते हैं आप यहाँ पे क्या है, पहला रीज़न देख सकते हैं पेटीएम का ही जो है ये आर्टिकल, इनमें से हमने यहाँ पे सेलेक्ट करें पाँच रीज़न जो मेजरली पाँच यही रीज़न से जिस वजह से रिजेक्ट किया जाता है। पहले लो क्रेडिट ब्यूरो स्कोर, यानी आपका सिविल स्कोर जो होता है वो लो होता है, जिसकी वजह से आपको जो है यहाँ पे लोन नहीं मिलता। जैसे मेरा 709 स्कोर है, लेकिन इन्होंने बोला है कि आप टिपिकली ओवर 700 होना चाहिए, 700 से अबव स्कोर होना चाहिए तभी आपको लोन मिलता है। ओके, तो आपको ध्यान देना है कि आपका सिविल स्कोर कितना है, तो एटलीस्ट 700 होना चाहिए। ओके, तो जनरली लोगों में ये कुछ ही लोगों में इशू होगा, बाकी जो लोग पहली बार अप्लाई करते हैं उनका तो ठीक ही होगा लोन। ओके, सिविल स्कोर ओके, और जिन्होंने रिपे किया होगा टाइम उनको तो कोई इशू नहीं होगा। दूसरा रीज़न पे आते हैं, यहाँ पे दूसरा रीज़न है ये लैक ऑफ क्रेडिट हिस्ट्री, यानी इसमें कहा गया है कि हैविंग अ लॉन्ग हिस्ट्री इन क्रेडिट ब्यूरो शोज अ फाइनेंशियल मैच्योरिटी एंड पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट्स टू अ हेल्दी क्रेडिट स्कोर। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जैसे आपको पता होगा ये लोन जो है मतलब काफ़ी बड़े बड़े पर्सनल लोन मिल रहे हैं, छोटे मोटे नहीं मिल रहे हैं, 500 के नहीं मिल रहे हैं, जो यूँ ही मिल जाएँ। ओके, यहाँ पे पेटीएम जो है यहाँ पे बड़े बड़े लोन देता है, मतलब इसीलिए ये लोन एप्लीकेशन उन्हीं लोगों की जो है एक्सेप्ट करता है जिनके क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी हो। जैसे आप इससे पहले भी लोन ले चुके हों कुछ एप्लीकेशन से, और उनमें आपका जो आपके टर्म्स हो आपके वो अच्छे हों, जैसे हमने टाइमली रिपेमेंट किया हो ये सब। ओके, तो एक वजह ये भी होती है, जैसे मान लीजिए पहली बार इसको अप्लाई करेंगे तो ये रिजेक्ट कर देंगे मे बी, क्योंकि इससे पहले आपने अगर कभी लोन नहीं लिया है तो रिजेक्ट कर देंगे। ओके, तो अगर आप इसमें जो है बड़े लोन लेना चाहते हैं, पर्सनल लोन इसमें जो आते हैं बड़े बड़े 3-3 लाख के, तो वो लेना अगर आप चाहें तो पहले आपको छोटे मोटे लोन लेने होंगे आपको 1500 के, उसको टाइमली पे कर दिए। ओके, तो आप उस फिर आपको लोन ले मिलने में आसानी होगी थैप से। ओके, दूसरी वे ये वजह है। और अगर आप छोटी मोटी लोन एप्लीकेशन होती है जो जिससे आप 500-1000 रुपये के लोन ले सकते हैं, फिर उसको रीपे कर देंगे तो आपको 30-40-500 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ओके, तो उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी वजह ये थी लैक ऑफ क्रेडिट हिस्ट्री। तीसरा रीज़न यहाँ पे दिया गया पुअर लोन रिपेमेंट हिस्ट्री। अब ये होता क्या है कि मान लीजिए आपने किसी एप्लीकेशन से लोन ले लिया, उसने कहा कि आपको मंथली इतने इतने जो है EMI पे करनी होगी। ओके, तो यहाँ पे आपका क्रेडिट कार्ड बिल ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है, और भी लोन एप्लीकेशंस भी होती हैं उनसे मान लीजिए आपने लोन लिया है फिर उसको आपको चुकाना होता है, जब पे करना होता है रीपे, तो आपने टाइमली नहीं किया होता है। टाइमली रीपेमेंट नहीं करने से आपका सिविल स्कोर जो है वो ख़राब होता है। सिविल स्कोर पर हम डेडिकेटेड वीडियो बना चुके हैं जिससे आप चेक कर सकते हैं आपका सिविल स्कोर कितना है। ओके, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो यहाँ पे रिपेमेंट हिस्ट्री मेरी तो ठीक थी, ये वजह नहीं थी मेरी में। ओके, मेरा सिविल स्कोर भी सही था, क्रेडिट हिस्ट्री भी मेरी सही है, इससे पहले हम लोन ले भी चुके हैं। और तीसरा जो था पुअर लोन रिपेमेंट हिस्ट्री, ऐसा भी नहीं, क्योंकि हमने हमेशा अब तक के जितने भी लोन लिए हैं सब टाइमली रिपेमेंट की, इवन फ्लिपकार्ट पे लेटर का भी हमने टाइमली रिपेमेंट किया था। तीसरी वजह ये हो गई। ओके, चौथी ये है कि हाई एग्जिस्टिंग डेब्ट, यानी कि आपने इसे जो लोन ले चुके हैं आपके ऊपर 2-3 एप्लीकेशन से पहले ही लोन चल रहे हैं। ओके, तो आप उनको पता है कि आपका वो लोन एप्लीकेशन जो लोन अप्लाई करते हैं उसको रिजेक्ट वो लोग इसलिए करते हैं क्योंकि उनको पता है कि आप पहले ही से 3-4 लोन आपके चल रहे हैं, तो इस वजह से वो लोग लोन नहीं देते हैं। मेरे केस में पे लेटर चल रहा है, वो भी एक तरह का लोन ही हुआ, क्रेडिट ही हुआ। ओके, और बाकी क्रेडिट भी से भी चल रहा है, तो ये दो जगह मेरा चल रहा है। मे बी इस वजह से इन्होंने जो है मेरी जो लोन वो जो हमने अप्लाई किया था पर्सनल लोन के लिए वो रिजेक्ट किया, एक ये वजह हो सकती है। तो ये नहीं, आपको देखना है कि आपके जो है लोन जो एग्जिस्टिंग चल रहे हो वो कम हो, जैसे मान लीजिए आपके 4-5 जगह चल रहे हो तो उसको रीपे करके उसको कम कर दीजिए, 1-2 फिर अप्लाई करिए। ओके, तो मेरे केस में मेरी ये वजह हो सकती है क्योंकि मेरे अभी 2-3 चल रहे हैं। पाँचवीं सबसे इंपॉर्टेंट ये होती है हाई नंबर लोन इंक्वायरीज। तो ये आप लोग इसको ध्यान नहीं देते लेकिन एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, मैटर करती है जो लोन लेने टाइम। ओके, आप मान लीजिए आप बहुत सारी लोन इंक्वायरी जो है कर लेते हैं, यानी इंक्वायरी लोन इसका मतलब होता है कि आपने क्रेडिट भी से भी ले लिया, ब्रांच से भी ले लिया, हर जगह से जो है लोन इंक्वायरी करें, मिल आपको कहीं से नहीं रहा है। मान लीजिए मिल भी गया तो वो सेक्शन में आ गया डेप्ट में, लेकिन आपको मान लीजिए मिल भी नहीं रहा फिर भी आप हर जगह से अप्लाई करें आ रहे, कहीं 2 लाख का, 3 लाख का, अलग अलग जगह से अप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें होता है क्या कि सिविल में दिखता है कि आपने कहाँ कहाँ से कितने कितने लोन इंक्वायरी कर रखी है। तो एक ये वजह हो सकती है, और मेरे केस में यही वजह होगी क्योंकि हम जो है इन सब एप्लीकेशन पे वीडियोस बनाते हैं, तो हमको यहाँ पे लोन अप्लाई करना ही पड़ता है क्योंकि हमको उस दिखाना पड़ता है आपको पूरा का पूरा प्रोसेस। ओके, पूरा प्रोसेस जो है जेन्युइनली हमको बताना पड़ता है, इसीलिए हमको लोन अप्लाई पूरा करना पड़ता है। मेरे केस में ये वजह हो सकती है। ओके, मेजरली यही वजह है। ओके, तो ये पाँच रीज़न थे जिनकी वजह से आपका पेटीएम जो आपका पर्सनल लोन है अप टू 3 लाख का जिसमें मिल रहा है आपको, तो वो रिजेक्ट हो रहा है। ओके, यही वजह पाँच होंगी, पाँच वजह हैं। ओके, बाकी अगर आपको कोई
प्रॉब्लम आ रही हो या फिर आपको कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ रही हो, कोई लोन नहीं मिल पा रहा हो, किसी मेरी पेमेंट नहीं हो रहा हो, कुछ इशू हो, तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम वीडियो को एंड कर रहे हैं और हम यही आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। थैंक यू।